वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आपको क्या करना है, इस साइट पर चले आना है। इस साइट पर आने के बाद में क्या है कि आपको इस साइट का जो नेम है वह है epos.br.gov.in। इस साइट की मदद से हम लोग आज अपना न्यू RC नंबर यानी न्यू राशन कार्ड नंबर जो है निकालना सीखेंगे। किस तरीके से जो है हम लोग अपने नए राशन कार्ड के जो नंबर है वो किस तरीके से निकालेंगे, वो सारी हम लोग फुल डिटेल्स के साथ में देखें निकालेंगे। तो आप लोग एंड तक देखिए और चेक करके भी हम आपको सिखाएंगे कि यह जो है वर्क कर रहा है ये न्यू राशन कार्ड नंबर या नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में बता दें कि मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेकोल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिंक पर आने के बाद में क्या है कि आपको इस तरीके से जो है इसका इंटरफेस दिखता है। तो सब प्रथम आने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा RC डिटेल्स। RC डिटेल्स पर क्या करना है, आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये आपको न्यू साइट पर इसी साइट पर ले जाएगा। इस साइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक मंथ सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी मंथ का आप यहाँ पर विवरण देखना चाहते हैं। जैसे मई यहाँ पर डिफॉल्ट है 2020। RC नंबर यानी अपने राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर जो है फिल कर देना है। अब यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आपको जो है कहाँ पर मिलेगा, तो आपको राशन कार्ड नंबर जो है आपके राशन कार्ड पर मिल जाएगा। जैसे कि आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैंने जो है हाईलाइट जो किया हुआ है वही राशन कार्ड नंबर है। उस राशन कार्ड को क्या कहना है, यहाँ पर फिल करना है। चलिए राशन कार्ड नंबर को हम लोग फिल कर लेते हैं। राशन कार्ड को नंबर जो है फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू से बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक FPS ID मिलेगा। इस FPS ID की जो है बाद में जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इस FPS ID को जो है आप लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप विवरण देख सकते हैं कि आपने कितने चावल गेहूँ जो है अपने उठाया हुआ है, किस मेंबर ने, आपके घर का जो मेंबर है वो कितने उठाया, उसका नेम यहाँ पर शो करेगा। पूरी विवरण यहाँ पर निकल कर आ जाती है, किसका आधार कार्ड जो है सीडिंग हुआ है। जैसे कि यहाँ पर नोट सीडर जो बता रहे हैं, इनका जो आधार कार्ड नंबर इसमें सीडिंग नहीं है, बाकी सब लोगों का सीडेड जिनका भी लिखा हुआ है उनका आधार कार्ड नंबर जो सीडेड है। उसके बाद में आ जाएंगे आप होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद में क्या है, जैसे कि मैं यहाँ से होम पेज पर चले आता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि होम पेज पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर एलोटेड के ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना है और की रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। यह चीज़ जो है आप अपने मोबाइल फोन पर भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर का डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल करें, ठीक है। वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि डेस्कटॉप वर्जन आपको कहाँ पर मिलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो ऊपर जैसे कि क्रोम ब्राउजर आप ओपन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, जिस तरह की आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और वहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देंगे तो आप डेस्कटॉप साइट में चले आते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर कंप्यूटर फोन में जो है हम यहाँ पर की रजिस्टर अपस्टेट जो है खुल चुका है और यहाँ स्टेटस ऑल हमने ले लिया है। और यहाँ से जो है आप देख सकते हो कि आपका जिला जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आपको अपने हिसाब से जो है उस पर आना है और अपने डिस्ट्रिक्ट पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ यह आ जाता है और यहाँ पर आपके ज़िले के अंदर में जितने भी आपके पंचायत ब्लॉक होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो अपना यहाँ पर जो है अपने हिसाब से अपना ब्लॉक जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से कोटवा सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोटवा पर आने के बाद में आप यहां से अपने जो है FPS ID की यहां पर ज़रूरत पड़ती है। FPS ID क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको यहां पर खुल जाने के बाद उसे हम लोग कॉपी करके चेक करें। जैसे कि यहां पर FPS ID जो हर एक डीलर का जो है FPS ID होता है, इसी FPS ID की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम पिछले पेज पर आ चुके हैं और इस FPS ID को हम लोग यहां से कॉपी कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहां से FPS ID जो है अपना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में आप देख सकते हो कि FPS ID यहाँ पर जो है इसका 431 है। और यहाँ पर FPS ID यहाँ पर जो है कंट्रोल F का उपयोग करेंगे यदि आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल F का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर एक टैब ओपन हो चुका है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर FPS ID जो मिल गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओल्ड आरसी नंबर और न्यू RC नंबर मिल चुका है, यानी कि इस FPS ID के अंतर्गत यानी इस डीलर के अंतर्गत जितने भी RC नंबर यानी जितने भी राशन कार्डधारी है उनका यहाँ पर राशन अब शो कर रहा है। जैसे कि मेरा राशन कार्ड नंबर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा राशन कार्ड नंबर यहाँ से जो है हम लोग कॉपी कर लेंगे इसे। आपको दिखा दें लास्ट जो डिजिट है वह 15,01,50,027 है। और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च का एक बटन मिलता है, इस पर आपको क्या करना है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आप देख सकते हो कि यही राशन कार्ड नंबर जो वहाँ पर राशन कार्ड मैंने दिखाया बिल्कुल ओरिजिनल है। और यहाँ पर न्यू RC नंबर आपको मिल जाएगा, PHS स्कीम और यूनिट सेट 8 आदमी का जो है इसमें नाम है और फिट यानी कि गेहूँ और चावल कितना इसने उठाया वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। जैसे कि न्यू RC नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर चलेंगे तो दिखाएंगे कि यह अपडेट है या नहीं है, तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर हम कंट्रोल V से इससे हम
और हम लोग उस न्यू राशन कार्ड नंबर जो है उसे डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से खुल चुका है और यहाँ पर नो ट्रांजेक्शन डिटेल्स फाउंड दिखा रहा है। नो ट्रांजेक्शन डिटेल्स फाउंड का मतलब कि इस जो न्यू राशन कार्ड नंबर है इसके द्वारा जो है अभी तक कोई भी चावल गेहूँ नहीं उठाया गया, इसलिए ट्रांजेक्शन नोट फेल दिखा रहा है। और बाकी जो इतने भी मेंबर्स हैं इसमें वो सारे मेंबर्स का नाम यहाँ पर दिखाएगा और स्टेटस में एक्टिव और जितने भी लोगों का जो है सीडेड आधार कार्ड नंबर सीडेड होगा उनका दिखाएगा और जिनका आधार कार्ड नंबर नहीं रजिस्टर्ड है उनका नोट सीडेड दिखाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो है आपके डीलर या आपके ब्लॉक में जो वार्ड जो भी होंगे आपको राशन कार्ड न्यू राशन कार्ड जो है आपको वितरण कर देंगे। तो अभी इसका डेट जो नहीं निकला हुआ है कि राशन कार्ड वितरण करना है, बल्कि यहाँ पर न्यू राशन कार्ड नंबर जो है दे दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आप अपना न्यू राशन कार्ड नंबर ले सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।